बड़ा सुंदर, बड़ा सुंदर आपके द्वारा प्रसंग बड़ा सुंदर आया। इतना सुंदर प्रसंग कोई पूछ नहीं सकता, किसी दिमाग में आ ही नहीं सकता जो प्रसंग आपसे शुरू हुआ बाबा। आप इसी पर आप बताइए, हम सब के कल्याण के लिए। आप जैसे जानते हैं, देखिए ऐसा नहीं, हम तो रोज ही बोलते हैं ना, हमारा रोज बोलते हैं, पुराना हो गया। आप मैंने जुग जुगांतर बोलते रहेंगे, हमारा पुराना नहीं, शास्त्रीय ज्ञान भी उतना, और अध्ययन करने का, जब से घर छोड़ के आए हैं उतना अध्ययन करने का मौका नहीं मिला, शास्त्रीय अध्ययन करने का मौका ही मिला नहीं। जो ऐसे ही दो थोड़ा ग्रंथ पढ़ के गीता थोड़ा अध्ययन करते हैं रोजाना, तो बाकी और तो शास्त्रीय अध्ययन ये तो हमारे तो हुआ नहीं, इसलिए मैंने दादा को समझ जानते नहीं। जो भी अपने भीतर से प्रेरणा देते हैं उसके आधार पर थोड़ा था, कभी कभी बोल देते हैं गुरु महाराज जी कैसे भी हो, महत्वपूर्ण भैया जी हैं, क्षमा कर देते हैं गुरु महाराज जी को बोल दिया बाबा। कालदेव जी का एक ऐसा आश्रम था, कालदेव जी का आश्रम के एरिया में जाते हैं सारे मोह अज्ञान दूर हो जाते। जिस अज्ञान मोह को भगवान शंकर दूर नहीं कर सके, जिस अज्ञान मोह को ब्रह्मा जी दूर नहीं कर सके, कोई नहीं दूर कर सका। कालदेव जी का जो आश्रम का क्षेत्र था उसमें प्रवेश होते हैं वो सारा मोह गरुड़ जी का दूर। बहुत परेशान थे ठाकुर जी पर, मुझे मोह क्यों हुआ? ऐसे किसी महापुरुष के प्रति कभी थोड़ा सा मोह हो जा तो उसमें उससे ज़्यादा उसके लिए दुख चिंता कोई बात ही नहीं, कोई रोग उससे ज़्यादा परेशान नहीं कर सकता। यदि किसी महापुरुष के प्रति या अपने ठाकुर जी के प्रति कहीं से थोड़ा मोह हो जा, किसी भी तरह का अज्ञान आ जा, अब गरुड़ जी के अंदर ही मोह आ गया कि इतने समर्थ प्रभु इनको सांप बांधे हुए हैं, जिनका नाम लेने से भाव बंधन छूटता है वो आज सांप के बंधन में पड़े हुए हैं, अब मुझे छुड़ाना पड़े, तो क्या ये मेरे प्रभु, क्या ऐसे ही मेरे प्रभु हैं, यही मेरे प्रभु हैं? अब यही संदेह हुआ तो वो समझ गए तो बीमारी मुझे पैदा हो गई, बीमारी तो मुझे खा जाएगी। अब वो बीमारी समझ के उस शुरू किए दौड़ना वैद्य के पास, कहाँ जाए बीमारी दूर हो, कहाँ जाए दूर हो। ब्रह्मा जी के पास गए, वो भी जवाब दे दिए, मेरे बस का ही इस संशय मुझे कई बार परेशान किया है जो तुम्हें परेशान किया, हम भी इसको नहीं छुड़ा सकते। शंकर जी के पास गए, वो कहे कि रास्ते में तुम मुझे मिले हो, इसके लिए तो कुछ दिन जा करके किसी ऐसे महापुरुष के पास जहाँ नित्य सत्संग होता हो, नित्य भजन होता हो, वहाँ जाओ कुछ दिन रहो, तब तुम्हारे संशय दूर हो। शंकर जी बताए कि कागभूषण जी के आश्रम पर जाओ, वहाँ नित्य कथा होती है, नित्य सत्संग होता है, कागदेव जी को भजन छोड़ के दूसरा कोई कामे नहीं, तर्ज हरि भजन काज नहीं दूजा, भजन छोड़ के दूसरा उनका कोई कामे नहीं, वहाँ जाओ। जब वहाँ गए हैं तो आश्रम में प्रवेश किए हैं उस एरिया में, उनका सारा संशय मोह दूर हो गया, जो आग्रह करने पर भी कहीं से कम नहीं हुआ, वहाँ घुसते ही सारा अज्ञान दूर हो गया। अब तो जा करके उनके चरणों में गिर करके भगवान की कथा सुनने की इच्छा प्रकट की है उस प्रभु की, मोह नहीं प्रकट किए कि मुझे मोह हुआ है कि क्या हो, मोह तो आश्रम प्रवेश करते ही हो, महापुरुषों के आश्रम में घुसते ही बाबा। मैंने हम राधा रानी हैं, यदि हम कोई चिकनी चुपड़ी बात नहीं करते हैं, इस आश्रम में घुसते ही बाबा एक अपूर्व शांति मिलती है, अपूर्व शांति मिलती है, अपने आप मन स्थिर, जिसे खुद थका हुआ व्यक्ति पूर्ण विश्राम पाता है इस आश्रम में घुसते हैं। कथा सुनने से तो भगवान चरणों में प्रीत होती है, जैसे सोए हुए व्यक्ति को झकझोर के जगाया जाए वैसे आपकी वाणी जगा देती है, जगाती है। जीवन का सबसे बड़ा पुण्य, सबसे बड़ी ठाकुर जी कृपा, सबसे बड़ी कृपा यही है कि आपके आपका सानिध्य मिले, आपकी वाणी सुनने को मिले, ये सबसे बड़ी कृपा है। जब दरवाहे दीन दयालु राघव
तब साधु संगत पाए। जब भगवान करुणा से पिघल जाते हैं तब महापुरुषों का सानिध्य मिलता है। अब महापुरुषों का सानिध्य मिलता है, ठाकुर जी तो सीधे कहे नहीं, कहेंगे नहीं कि हमारा भजन करो, हमसे प्रेम करो। ठाकुर जी खूब चाहते हैं ये मुझे मिले, लेकिन ठाकुर जी तो कहेंगे नहीं कि तुम मुझसे मिलने का प्रयास करो। जब कृपा करुणा करते हैं तो महापुरुषों के सानिध्य भेज देते हैं और उनके द्वारा प्रेरणा होती है। ठाकुर जी के चरणों मन लगाओ, भगवान मन लगाओ, 84 लाख जोनी भोग के आए हो, खूब दुख भोगे हो, खूब कूटे गए हो। हमारे गुरु सरकार या गुरु जी यही कहा करते थे, खूब कूटे गए हो और फिर कूटे जाओगे। कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, समय कितना कम है, तुम्हारी चाल कैसी है, कब पहुँचोगे, कूटे जाओगे। अब ठाकुर जानते हैं कूटे गए हैं खूब, अब फिर कूटे जाएंगे, तो संतों के मुंह से कहवाते हैं जाओ ठाकुर जी के चरणों में जाओ, वहीं प्रीत करो, वहीं प्रेम करो, उन्हीं के चरणों में जाओ, वही से तुम्हारा कल्याण है। संसार में तुम्हारा कल्याण नहीं है, धन मिल सकता है, परिवार मिल सकता है, प्रतिष्ठा मिल सकती है, स्वर्ग तक मिल सकता है। पीपा जी द्वादश महाभागवतों मतलब पीपा जी हुए, पीपा जी देवी भक्त थे, देवी कृपा से इनका जन्म भी हुआ था। इनके यहाँ इतना भोग लगे, इतना भोग लगे कि सारा राज परिवार कर्मचारी उसी देवी का भोग प्रसाद ही पावे। कोई अतिथि अभ्यागत आवे तो वही 56 भोग वही पावे। वैष्णव साधु गए उनके सामने भी वही भोग का प्रसाद आए। वैष्णव साधु कहे कि अरे हम लोग तो अपने ठाकुर जी को भोग लगा के पाते हैं, तो पहले से भोग लगा हुआ है, हम लोग के लिए शुद्ध कोरा अन्न लाइए, हम लोग बनाएंगे अपने ठाकुर जी भोग लगाएंगे और तब हम लोग पाएंगे। ये देवी का लगा हुआ भोग, पुनः भोग हम अपने ठाकुर जी को नहीं लगा सकते। अब बिना ठाकुर जी को भोग लगे बिना प्रसाद हम लोग पाएंगे नहीं। वो लौटा ले गए। पीपा जी के मन में शंका हुई कि कैसे साधु हैं, देवी के प्रसाद को इन्होंने मतलब तिरस्कार किया, देवी का प्रसाद नहीं पाया, देवी से बड़ी कौन होती है। अब नाना तरह के संशय पैदा हुआ। उपेक्षा पूर्वक निरादर पूर्वक दे दो कुछ, दे दो कुछ, हटा दे दो कुछ, दे दो मैंने ऐसे निरादर पूर्वक पूछ लेना और कुछ चाहिए और कुछ चाहिए। लेकिन अब वो संत थे, जो भी मिले अरे बहुत है, अरे बहुत है, थोड़ा सा घी जाए अरे इतना बहुत है ठाकुर जी के लिए, जो भी जाए सब में संतुष्टि, बहुत है बहुत, बस बस बहुत है। अब वो सेवक कहे कि महाराज महात्मा लोग तो बड़े अच्छे लग रहे हैं, उनके अंदर तो बड़ा संतुष्टि है, जो भी दो उसी को बहुत है बहुत है, कभी किसी चीज़ की मांग किए नहीं। अब पीपा जी के मन में संदेह हुआ, देवी की आराधना किए, हाथ जोड़कर मंदिर में बैठे और आराधना की, हे देवी ये कैसे महात्मा हैं, स्वभाव इनका इनकी रहनी तो बड़ी उत्तम है, लेकिन आपका प्रसाद नहीं पाए इसलिए मेरे मन में शंका हो रही है कैसे साधु हैं। तो देवी उनको निर्देश दी कि वैष्णव हैं, ये भगवान के भक्त हैं, भगवान का भोग लगा ही प्रसाद पाते हैं। हम सब देवी देवता भगवान के प्रसाद के अधिकारी हैं, लेकिन हम लोगों का लगा हुआ भोग ठाकुर जी को नहीं लग सकता, भगवान नहीं सकता, ये वैष्णव हैं। मेरी पूजा करके तुम यहाँ का वैभव सुख संपत्ति प्रतिष्ठा पद पुत्र सब कुछ पा सकते हो, स्वर्ग तक पा सकते हो, लेकिन तुझे भगवत प्राप्ति करनी होगी, मोक्ष और गोलोक वैकुंठ धाम प्राप्त करना होगा, आवागमन से मुक्ति पानी होगी, तो तुझे भी वैष्णव बनना पड़ेगा, तुझे भी भगवान की उपासना करनी पड़ेगी। कहे प्रभु तो मैं कहाँ देव माँ मैं कहाँ जाऊँ। कहे जाओ काशी में स्वामी रामानंद जी हैं इस समय, उन्हीं के शरण में जाओ, उन्हीं से उन्हीं का हो करके वैष्णव बन के भजन करो तो तुम्हारा भी मोक्ष होगा, भगवत प्राप्ति होगी, नहीं तो स्वर्ग से लेकर मृत्युलोक तक इसी चक्कर में रह जाओगे, हमसे इससे आगे कुछ नहीं मिलेगा। तो फिर वो वैष्णव हुए, सब कुछ मिल सकता है, स्वर्ग तक मिल सकता है, लेकिन ठाकुर जी के चरणों में स्थान तो बिना संत महापुरुष की कृपा से कैसे मिल सकता है। तात भगत अनुपम सुखमूला, मिले जो संत हो अनुकूला। भक्ति तो सुख की अनुपम सुख की मूल है, जड़ है, सारा सुख वहीं से प्रकट होता है। जो आनंद सिंध सुख राशि सीकर दे त्रिलोक सुपासी, जो आनंद का समुद्र है और सीकर एक सीकर बोर्ड के जो छीटा मारा जाता है वो तीनों लोकों में वही सुख व्याप्त है। सो सुखधाम
राम असनामा, वही सुख के धाम भगवान राम है, ठाकुर जी है। उसको प्राप्त करने के लिए किसी संत के पास जाना पड़ेगा, महापुरुषों की कृपा लेनी पड़ेगी। तात भगत अनुपम सुख मिला, अनुपम जिसकी कोई उपमा नहीं है, लेकिन मिले कब, जब संत होंगे अनुकूल, जब संत अनुकूल होंगे, प्रसन्न होंगे, अपनाएंगे, तभी भक्ति मिल सकती है, ऐसे भक्ति नहीं मिल सकती। बाबा आपके चरणों में अब हम, अब आप जिसको जना दें, सोई जाने जही देव जनाई, जिसको जनाना चाहेंगे वही जान पाएगा, जिसको नहीं जनाना चाहेंगे नहीं जान पाएगा। अब कब कैसे कृपा होगी, अहद की कृपा होती है, कोई कृपा कारण नहीं होता है। जीवन भर सेवा करते करते लोग थक जाते हैं, फिर भी ठाकुर जी नहीं जना पाते हैं, अहद की कृपा, वैसे रास्ता चलते मिल गया, उसको सब कुछ दे दिए, सब कुछ जना दिए, जिसको जनाएंगे वही जानता है, हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता होगा। इन चरणों का जो मैं अनुभव किया हूँ कोई नहीं किया, सब कुछ प्राप्त हो सकता है, सब कुछ प्राप्त, लोक लाभ परलोक निवाहु, लोक में भी कोई कमी नहीं, आप परलोक में भी तुम्हारे लिए स्थान बना हुआ है, सब कुछ प्राप्त हो सकता है। इस चरणों में जितनी श्रद्धा होगी, जितना प्रेम होगा, उतना ही सब कुछ प्राप्त हो सकता है, सब मिल सकता है। परम सौभाग्य है, परम भाग्यशाली है, ठाकुर जी की इतनी कृपा, इससे ज्यादा कृपा क्या होगी। आपकी वाणी में बाबा मुझे 95% हमारे गुरुदेव की वाणी मिलती जुलती है, 95% यही लगता है कि मैं उन्हीं के मुंह से मैं सुन रहा हूँ, हर सिद्धांत हर चीज मिलता है। तो इस तरह से ये यहाँ बैठना, यहाँ आना, सानिध्य में आना, यही सबके लिए प्रभु प्रेम का कारण होगा। ये कुटिया ऐसा है, आश्रम ऐसा है, इसमें घुसने पर ही एक अलग अनुभूति है। तो बाबा के कहने का सार है, हमारा प्रश्न था जो साधक के लिए भगवत प्राप्ति के लिए सहज सरलतम उपाय, जिस पंथ अवलंबन करके वो बहुत जल्दी ही भगवत सान्निध्य प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं, ऐसा कौन सा सरल उपाय बताने के लिए आपने आग्रह किया। तो बाबा के कहने का सार है, महत कृपा ही सार है, इसीलिए महत सान्निध्य में जाना, महत के पास बैठना, समर्थ हो तो सेवा करना, सेवा करके उनको प्रसन्न करने से कुछ अलब्ध नहीं रहता है, सब कुछ मिल सकता है। महत सेवायांग दर माहौल विमुक्ति स्तमदार रजो शिक्षण संगम, दो दरवाजा है, एक भगवत प्राप्ति के द्वार, एक नरक जाने का द्वार। भगवत प्राप्ति के द्वार है महत पुरुष के सेवा, सेवा माने उनका चरण दबाना नहीं, सेवा माने धन दौलत देना नहीं, सेवा माने आश्रम मंदिर बनाना नहीं, सेवा माने उनकी प्रसन्नता, वो जैसे आदेश करें उसको पालन करना, फिर उनका मन प्रसन्न हो जाए तो कोई अलब्ध नहीं रहता है उनके लिए, प्राप्ति में कोई बाधा नहीं रहती है। हमारे गुरु जी की सेवा करते थे अयोध्या दास, बस गुरु जी के सेवा में तत्पर रहते थे, दिन नहीं रात नहीं, उनका भजन कुछ नहीं, माला जप तप आराधना इसमें उनका उतना ध्यान नहीं था, उनका एकमात्र इच्छा गुरु जी की प्रसन्नता, गुरु जी कैसे प्रसन्न हो जाए, दिन रात उस सेवा में रहते थे। तो उनको इतना शक्ति आ गई थी उनके अंदर, गुरु जी के प्यास लग गया, पानी लेकर हाजिर हो गए, बाबा थोड़ा पानी पी लीजिए, हाँ हाँ अयोध्या लाओ लाओ पानी लाओ, उनको प्यास लगा, ऐसे निष्ठा गुरु जी को सेवा में। शौच जाएंगे, गुरु जी को शौच लगा है, बाबा आप शौच जाएंगे, चलिए हम आपको ले जाते हैं, ऐसा ऐसा दिन रात गुरु सेवा में तत्पर रहते थे, भजन भजन और कुछ नहीं, एक मात्र मोहन पुरुष की सेवा, गुरु सेवा। लेकिन अल्प उम्र में कुछ ऐसा बीमार हो गया, हजार हजार कुछ हो गया था, जिस कारण अचानक शरीर त्याग दिया,
तो गुरु जी बहुत दुखी हो गए कि हमारा इतना सेवा किया उसको तो हमने कुछ दे नहीं पाया। और महापुरुष जो होते हैं वो ऐसा नहीं समझते हैं कि हम बहुत हैं, हमारे अंदर बहुत शक्ति है, हम बहुत सामर्थ्य हैं, ऐसा होता नहीं है। भक्ति मार्ग में महापुरुष आपको कोई दीनहीन समझते हैं, जी हमारे अंदर कुछ है नहीं, हमसे दीन है नहीं कोई, हमसे दरिद्र कोई है नहीं, ऐसी दीनता करके उनका हृदय को ग्रासित करते हैं, एक विनम्रता से वो झुक जाते हैं, उनका मस्तक अवनत हो जाता है। ये महापुरुष का लक्षण है। ऐसा नहीं हम महत है, हम सिद्ध हैं, कल्याण हो, ऐसा नहीं। भक्ति मार्ग में, भक्ति मार्ग में तो झुक जाते हैं, सब में प्रभु को दर्शन करते हैं, सब में प्रभु है जानकर सबको आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। वो भूल जाते हैं कि मैं बहुत समर्थी हूँ, हमने बहुत साधन शक्ति है, हम बहुत पहुँचे हुए संत है, ऐसा अभिमान होता ही नहीं। ये भक्ति देवी की कृपा। बड़े बड़े महापुरुष ऐसे दीनता दिखाए हैं जो कहने के अवस्था में है। मोह सम कौन कुटी लिखा लखा मी जाहे तन दियो ताहे बिसरायो, ऐसा नहीं हुआ खरा मी सूरदास जी के पद। क्या खल का कमी है भगवान के पार्षद नहीं, ये दीनता आकर उनको हृदय को ग्रासित करते हैं। ये है भक्ति देवी की कृपा के लक्षण है। जिस हृदय में भक्ति देवी अनुप्रविष्ट हो जाते हैं वो इस तरह से सतह ही झुक जाते हैं, सतह ही, चेष्टा करके नहीं, दिखावा नहीं, सतह ही ऐसे हृदय उनके दीनता में ऐसे झुक जाते हैं, जो सबको सम्मान करते हैं, सबको आदर करते हैं, सबके अंदर भगवान है जान करते हैं, अपने को हीन मानते हैं। तो गुरु जी आप सोच रहे हैं हमारे अंदर तो कुछ है नहीं, हमारे देने लायक तो कुछ है नहीं, ये तो हमारे इतना सेवा किया इसका गति क्या हुई। हे राधा रानी, इसको तो हम कुछ दे नहीं पाया, इसका कल्याण करो, उसका मंगल करो, उसका भला करो। तो राधा रानी जी सप्त में आकर के कह रहे हैं तू उसके लिए चिंता मत कर, वो तेरे पहले ही मेरे सेवा में आ गए हैं, हम उसको स्वीकार कर दिए, दासी कर दिए। ऐसे महत्व सेवा तो सरल उपाय, सबसे सरल उपाय महत्वपुरुष का सेवा, महत्व सेवाए अंतार माहौल होती, महत्वपुरुष की सेवा मुक्ति का द्वार कहते हैं। भजन की आवश्यकता नहीं है, अगर जी जान देकर के सच्चा हृदय से अदूरदर्शी होकर विनम्र होकर समर्पित होकर उनके प्रसन्नता संपादन के लिए समस्त इच्छा लेकर के जब सेवा करते हैं तब, ऐसा नहीं कि दोष दृष्टि आ गई है उनके आचरण में, दोष दृष्टि आ जाती है, उतना श्रद्धा है नहीं, ठीक है सेवा कर रहे हैं, ऐसा सेवा से होता नहीं, ऐसा सेवा नहीं। अश्रद्धा उत्तम दत्तम तपस्तम चुजात औषधि चतुप्रच नृत्य नहीं है। अश्रद्धा के साथ कोई भी होम जब तप आराधना जो भी मंगलमय कार्य किया जाता है कोई श्रम न परलोक में कोई लाभ नहीं होता, श्रद्धा चाहिए। तो लेकिन ये महापुरुष के चरण में ऐसे श्रद्धा होना ये सौभाग्य का सूचक है। बहुत पूर्व जन्म का सौभाग्य जब केंद्रीभूत होता है तभी जा करके महापुरुष के चरण में तीव्र श्रद्धा होती है। ये श्रद्धा बनाया नहीं जाता है, हो जाता है, जिसको हो गया वो धन्य है, वो कृतकृत है, उसके लिए बहुत सरल हो जाता है परमार्थ मार्ग। और जो दुर्भाग्य है उसको दोष दृष्टि आ जाती है, ये दोष है, ये दोष है, ये आचरण है। तो इस तरह से अदूरदर्शी होकर के समर्पित होकर के और उनके प्रसन्नता के लिए समस्त चेष्टा कायम वचन से उनके प्रसन्नता के लिए चेष्टा करते हैं। तो ये सबसे सरल उपाय है भक्ति मार्ग में चलने का, महत्व कृपा से संतोष प्राप्त करने में तो समर्थ हो जाते हैं कृपा से। तो बाबा की